हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस साइड इज अदनान और आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे वंडर वुमेन 1984 के फर्स्ट कम आउट रिएक्शंस के बारे में और आप लोगों को बताएंगे कि ये मूवी आपको थिएटर्स पर जाके देखनी भी चाहिए या नहीं। तो जानते हैं सभी क्रिटिक्स की क्या राय है वंडर वुमेन 1984 को लेकर। ज़्यादातर क्रिटिक्स ने इस मूवी को काफ़ी पसंद किया है। मूवी में 18 के एरा को काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेलिंग करके दिखाया गया है और पिछली मूवी के मुकाबले में इमोशन का लेवल भी इस मूवी में काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ क्रिटिक्स की राय इस मूवी की नियर डिफरेंट है। उन्होंने कहा है ये सिर्फ एक वन टाइम वॉच मूवी है। ये तो बात हो गई क्रिटिक्स की, अब जानते हैं कि IMDb पर इस मूवी को कितना स्कोर मिला है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.9 स्टार की और मीटर स्कोर है 66%, जो कि पिछली वंडर वुमेन के मुकाबले में काफ़ी कम है। बात करते हैं दूसरी इंटरनेशनल साइट रोटेन टोमेटोज के बारे में। रोटेन टोमेटोज पर इसको 79% का स्कोर मिला है। ये स्कोर भी पिछली वंडर वुमेन के मुकाबले में काफ़ी हद तक कम है। सारी कंट्रीज में ये मूवी रिलीज नहीं हुई है। USA में इसकी रिलीज 25 दिसंबर को है और हमारे इंडिया में ये मूवी आज रिलीज हो रही है। ज़्यादातर शो टाइमिंग इसकी इवनिंग्स में है और इंडिया के फैंस के लिए एक बहुत अच्छी बात कि इस बार ये फिल्म हिंदी में डब करके भी रिलीज की गई है। लेकिन दूसरी तरफ इसका 3D वर्जन इंडिया में रिलीज नहीं किया गया। ये थी सारी डिटेल वंडर वुमेन फर्स्ट रिएक्शन की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये थी सारी डिटेल वंडर वुमेन 1984 फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू की। बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पर इसका फुल रिव्यू भी देखने को मिलेगा। अगर मेरा रिव्यू आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। मैं हूं अदनान खान, आप देख रहे हैं स्मार्ट मूवीज वॉक चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।